मेरठ के जानी ब्लॉक के विकास खंड अधिकारी राजीव कुमार वर्मा ने किया जानी ब्लॉक के कलंजरी गांव में निरीक्षण। दरअसल कलंजरी गांव में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए गांव के प्राइमरी स्कूल में एक जिम खोला गया है और स्कूल के अंदर बारिश के पानी के निकासी का रास्ता नहीं है, इसलिए वहां बोरिंग के जरिए बारिश का इकट्ठा पानी सीधा जमीन में भेजा जाएगा। सर, जो आप यहाँ पे आया है, क्या हुआ? मैं आज विजिट पर हूँ ग्राम कलंजरी में। यहाँ पर मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो रिनोवेशन का कार्य चल रहा है वो चीज़ मैंने देखी है, और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम चल रहा है। जो भी छत का या फील्ड का जो भी पानी होगा वो बोरिंग के जरिए ज़मीन में वापस भेजा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में ओपन जिम भी बना है, जो कि बच्चों के मतलब सेहत और खेलने कूदने के हिसाब से बनवाया गया है। यहाँ पर इसमें करीबन 8-10 झूले जो है लगाए गए हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्राइमरी स्कूल के कैंपस में चल रहा है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, छत का जो भी पानी है या फील्ड में जो भी पानी एकत्र होगा वो बोरिंग यहाँ पर हो चुकी है और बोरिंग के जरिए वापस जमीन में भेजा जाएगा। तो सर, ये गांव कलंजरी में है या बाकी और ब्लॉक में? नहीं, और जगह भी जहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे कि जानी खुर्द में है, रसूलपुर धौलड़ी में है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा पांचली खुर्द में, वहाँ पर भी ये बनवाए जा रहे हैं। निर्माणाधीन है अभी, ये लगभग 15 दिन में जो है ये काम करना शुरू कर देंगे सर। और भी जो विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित हैं, तो उन पर सभी पर कार्य चल रहा है। लगभग 10-15 दिन में वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे।